हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे डिवीजन। डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग करना, डिवाइड करना। तो कैसे करते हैं? डिवीजन इज द अपोजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मतलब डिवीजन मतलब भाग करना, अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा। ऑफ मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का। डिवीजन जो है, भाग करना क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट होता है। देखो, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, जब हम किसी नंबर की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर बढ़ के आता है, हमारे पास बड़ा हुआ नंबर आता है। लेकिन हम डिवीजन, जब हम किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उसका आंसर कम हो के आएगा। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में नंबर बड़ा हुआ आता है और डिवीजन में कम आता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवीजन जो है अपोजिट है किसकी? मल्टीप्लिकेशन की। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या लिखा है बच्चों? डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन को हम कैसे कर सकते हैं? रिपीटेड, रिपीटेड मतलब बार बार। सब्ट्रैक्शन मतलब घटा करना, माइनस करना। तो मतलब डिवाइड, अगर हम किसी भी नंबर्स को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हम उस नंबर में से, उस नंबर को अगर बारी बारी सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, इक्वल सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम उसको क्या निकाल सकते हैं? उसका डिवाइड। जैसे हमने मान लो, फॉर एग्जाम्पल, हमने 24 को 6 से डिवाइड करना है, तो क्या होएगा बच्चों? 24 में से हम क्या माइनस करेंगे? 6। जब हमने 24 में से 6 को माइनस करना है तो देखो, 14 में से 6 करोगे कितना आ जाएगा? 8। और यहां क्या रह जाएगा? 1। तो कितना आ गया? 1। फिर कब तक माइनस करना है? जब तक हमारे पास आंसर्स क्या आ ना आ जाए? 0 ना आ जाए। अब 18 में से क्या माइनस कर देंगे? 6। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 12। फिर 12 में से क्या माइनस कर देंगे? 6। फिर कितना आ जाएगा? 12 में से 6 करेंगे 6, और यहाँ क्या आ जाएगी? 0। फिर 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। अब हमने ये देखना है कि इसको हमने कितनी बार माइनस किया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कितनी बार करी। यहाँ देखो बच्चों, कितनी बार आ गई? 1। यहाँ कितनी बार आई? 2। यहाँ 3, ये 4। यानी हमने 24 को 6 से रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस कितनी बार करी? 4 टाइम्स। तो 24 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 4। क्लियर है? मतलब क्या, डिवीजन जो है वो सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड होती है। हम उस नंबर्स को नंबर में से बारी बारी रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करते जाएंगे, कब तक कि जब तक हमारी वैल्यू क्या ना आ जाए? 0। और जितने टाइम्स हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है बच्चों? डिवीजन मींस इक्वल शेयरिंग या ग्रुपिंग। जो डिवीजन है वो किसकी मींस होती है? इक्वल शेयरिंग और ग्रुपिंग के, मतलब उसको बराबर हिस्सों में बांटती है। डिवाइड, किसी भी नंबर को दूसरे नंबर के साथ अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? उसको बराबर हिस्सों में बांटना, इक्वल शेयरिंग करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे पास 12 बॉल्स है, ये हमने 12 बॉल्स बना दी अपनी, सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, ठीक है। और 12 बॉल्स को मैंने कहा क्या कहा कि 12 को 4 इक्वल ग्रुपिंग में करो, मतलब 4 पार्ट्स में बांटो, 4 ग्रुप बना के बांटो 4 बॉल्स को। देखो, हम 4 ग्रुप बना लेते हैं इसके। हमने एक बॉल डाली, दूसरे ग्रुप में दो, एक, फिर तीसरे ग्रुप में एक, फिर फोर्थ ग्रुप में एक। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप, ये हमारा सेकंड ग्रुप, ये हमारा थर्ड ग्रुप, और ये हमारा फोर्थ ग्रुप। 4 ग्रुप हो गए हमारे पास। हमने एक बॉल इधर दे दी, एक बॉल इधर, एक बॉल इधर, और एक बॉल फोर्थ ग्रुप में। लेकिन हमारी कितनी बॉल्स आई अभी? 4। देखो, एक बॉल गई, दूसरी बॉल गई, थर्ड बॉल गई और फोर्थ बॉल गई। अब फिफ्थ बॉल को हम कहाँ ले आएंगे? फर्स्ट ग्रुप में। फिफ्थ बॉल भी गई। सिक्स्थ बॉल को कहाँ ले आएंगे? सेकंड ग्रुप में। सिक्स भी गई। सेवन को कहाँ ले आएंगे? थर्ड ग्रुप में। सेवन बॉल्स भी गई। फिर एट को हम कहाँ ले आएंगे? फोर्थ ग्रुप में। अभी हमारी कितनी बॉल्स जा चुकी है? 8। फिर हम 9 को कहाँ ले आएंगे? फर्स्ट ग्रुप में, क्योंकि हमने, क्योंकि इक्वल शेयरिंग करनी है, तो कहाँ ले आएंगे? फर्स्ट ग्रुप में।
टेंथ बॉल को कहाँ ले आएंगे? सेकंड ग्रुप में। इलेवेंथ बॉल को कहाँ ले आएंगे? थर्ड ग्रुप में। और ट्वेल्थ बॉल को कहाँ ले आएंगे? फोर्थ ग्रुप में। तो देखो हर ग्रुप में कितनी बॉल्स आई हमारी? थ्री 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 थ्री, सब में इक्वल आई है ना। तो 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों? 3। ये मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? इक्वल ग्रुपिंग, इक्वल शेयरिंग। बच्चों 49 को अगर 7 से डिवाइड करना है, अब हमें क्या देखना है कि 49 को 7 से डिवाइड करना है, इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम कैसे डिवाइड करेंगे? देखो 49 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप। फिर 42 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 में 7 करेंगे 5, फिर कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड टाइम्स। फिर 35 में से हम 7 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। ये हमारा कौन सा मेथड, कौन सा पॉइंट हुआ? थर्ड। फिर हम इसको फिर माइनस करेंगे 7 में से, 8 में 7 करेंगे 1, ये हमारा आ गया 4 टाइम्स। फिर हम इसको माइनस करेंगे तो देखो बच्चों कितना लेंथीज आ रहे हैं। रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस अगर हम करते हैं किसी भी नंबर्स के साथ तो वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। तो इसको एक इजी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो बच्चों ये होता है डिवाइड का साइन। एक मार्क्स यहाँ लगा के ऐसे वन बना के उसको इस तरफ कर देंगे तो ये कौन सा साइन होता है? डिवाइड करने का साइन। डिवाइड के अंदर जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है, हमने किसको डिवाइड करना है? 49 को। तो 49 को हम कहाँ रखेंगे? यहाँ। और जिससे हमने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है हमने? 7 से। तो 7 को कहाँ रखते हैं? यहाँ। कैसे डिवाइड करते हैं बच्चे? देखो जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी टेबल बोलनी होती है, और वो टेबल कब तक बोलनी होती है? जब तक कि जो हमारा बीच वाला नंबर है वो ना आ जाए। अगर मान लो वो नंबर बीच की उस टेबल में नहीं आता तो हमें क्या नंबर लेना होता है? उससे कम नंबर लेना होता है। जैसे 7 की टेबल में 49 कौन से नंबर पे आता है? 7 नंबर पे आता है। लेकिन अगर मैं 49 की जगह 48 लगाती तो क्या 48 7 की टेबल में आता है? नहीं आता। लेकिन हमें क्या देखना है? 7 की टेबल में 48 से कम नंबर कौन सा है? 48 से ज्यादा के नंबर को नहीं ले सकते, लेकिन कम के नंबर को ले सकते हैं। देखो 77 जा 49 होता है, 77 जा को छोड़ के 76 जा भी आ जाओ, 76 जा क्या होता है? 42। 42 48 के नीचे जा सकता है। क्यों कर सकते हैं ऐसा? क्योंकि हमें बाद में इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, इसीलिए हमें उस नंबर से कम नंबर को देखना होता है। जैसे अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ था? 49। तो 77 जा 49, ये तो पूरा हो गया। इसमें से कई बार ऐसा भी होता है कि जो नीचे लेफ्ट माइनस करते हैं तो क्या रह जाता है? रिमाइंडर रह जाता है। रिमाइंडर किसको बोलते हैं? देखो जैसे बच्चे हम जिससे डिवाइड करते हैं, जैसे हमने 49 से डिवाइड किया तो 49 क्या कहलाता है? डिविडेंड। 49 को क्या कहते हैं हम? डिविडेंड। और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 7 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होता है? डिवाइजर। क्या बोलते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको? डिवाइजर। और जो हमारा आंसर निकला डिवाइड करके, जो यहाँ आंसर निकला, जैसे हमारा आंसर क्या निकला है? 7। तो ये हमारा क्या होता है बच्चों? क्वोशेंट। क्या बोला जाता है इसको? क्वोशेंट। अगर यहाँ पे हमारा जीरो की बजाय, हम यहाँ पे इसको जीरो में जीरो भी लिख सकते थे कि 9 में से 9 करेंगे जीरो, 4 में से 4 करेंगे जीरो, या फिर क्रॉस दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो जीरो जीरो जो वैल्यू आ गई रिमाइंडर, ये क्या होएगा हमारा? रिमाइंडर। यहां जीरो की बजाय कोई और डिजिट या कोई और नंबर भी आ सकता था। ठीक है, क्लियर है? फिर दोबारा से बता रही हूँ बच्चों मैं आपको, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। और जो हमारा आंसर निकलता है वो क्या कहलाता है? क्वोशेंट। और जो हमारा नीचे रह जाता है, चाहे वो जीरो है, चाहे वो कोई डिजिट है या कोई नंबर है, वो क्या होता है हमारा? रिमाइंडर। एक और एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। जैसे देखो 8 7 5, ये हमने डिवाइड का साइन लगाया, और इसको किससे डिवाइड करना है? 8 7 5 को डिवाइड करना है। तो 8 7 5 को मैं कहाँ रखूंगी? बीच में।
और किससे डिवाइड करना है? 3 से। अब आप बताओ बच्चों, देखो 875 हमारा क्या कहलाएगा? डिविडेंड। और 3 हमारा क्या कहलाएगा? डिवाइजर। 875 हमारा क्या कहलाएगा? डिविडेंड। और 3 हमारा क्या कहलाएगा? डिवाइजर। क्लियर है? अब हमें इसका क्या निकालना है? क्वोशेंट और रिमाइंडर। अगर तुम्हारी बुक्स में या पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो हमारे को डिवाइड के लिए क्या लिखा हुआ आता है कि फाइंड द क्वोशेंट और रिमाइंडर। क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? उनका डिवाइड। तो क्लियर है बच्चों, क्या चीज होती है जो बीच का डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिवाइजर, और जो हमने आंसर निकालना है वो हमारा क्या कहलाएगा? क्वोशेंट। और जो नीचे रह जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रिमेनिंग, रिमाइंडर। जैसे देखो 3 को मैं 875 से डिवाइड कर रही हूँ। देखो 3 कितना वंस का नंबर है, और वंस के नंबर को पहले वंस के नंबर से ही देखो कि 3 की टेबल में 8 आता है। बताओ बच्चों 3 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता। तो 8 से हमने कौन सा नंबर देखना है? कम नंबर। जैसे देखो 3 वन जा क्या होता है? 3, 3 टू जा 6, 3 थ्री जा 9, 9 8 से ज्यादा है या कम है? 9 ज्यादा है, तो हमने 8 से कम यानी 3 टू जा 6 देखना है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बच्चे? 2, और यहाँ क्या आ जाएगा? 6। फिर 8 में से 6 को क्या कर देंगे? माइनस। और फिर हम दूसरी डिजिट को लेंगे। दूसरी डिजिट क्या है हमारे पास? 7। तो हम एरो का निशान लगा के जो माइनस करके नंबर निकला उसके साथ क्या उतार लेंगे? 7। तो 3 की टेबल में 27 देखो कौन से नंबर पे आता है? 9 पे। तो कितना आ गया? 27। 7 में 7 करी 0 और 2 में से 2 करी 0। अब हमारे पास रिमाइंडर तो 0 आ गया, लेकिन अभी हमारे पास एक डिजिट बची हुई है ना, तो पहले हम उसको उतारेंगे नीचे। क्या लिखेंगे? 5। अब 3 की टेबल में 5 आता है? नहीं आता है, यानी हमें 5 से कम नंबर लेना पड़ेगा। 3 की टेबल में 2 नंबर में क्या आता है? 3 2 जा 6, लेकिन 6 तो 5 से ज्यादा है, तो ये किस पे जाएगा? 3 वन जा 3, और 5 में से 3 करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस करके? 2। अब 291 हमारा क्या आ गया? क्वोशेंट। और 2 क्या आ गया बच्चों हमारा? रिमाइंडर। बच्चों देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन। रिलेशन मतलब संबंध होना आपस में, बिटवीन मतलब बीच में, किस किस के बीच में? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बीच में। कैसे बच्चों? जैसे मान लो हमें दे दिया जाए 12 डिवाइड 4। अब हम क्या करेंगे? 12 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 की टेबल में 12 देखेंगे कौन से नंबर पे आता है, तो कौन से नंबर पे आता है? 3 पे। तो क्या रिलेशन है इसके बीच में? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की क्या रिलेशन होती है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। देखो जो हमारा आंसर निकला, यानी जो हमारा क्वेश्चन निकलता है, अगर हम क्वेश्चन को जो हमारा डिवाइजर होता है उससे मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 3 मल्टीप्लाई 4। मल्टीप्लीकेशन का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई करना। तो कितना आता है? 3 की टेबल को हम 4 तक बोलेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। सेम एज इट इज हम 4 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 की टेबल में 3 नंबर में क्या आता है? 12। तो देखो हमारा डिविडेंड आ रहा है बच्चों। क्लियर है? तो मल्टीप्लीकेशन फैक्ट क्या होता है? अगर हम डिवाइजर को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा डिविडेंड निकलता है, और क्वोशेंट को अगर हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करें तो भी हमारा क्या निकलता है? डिविडेंड निकलता है। ये हमारा क्या है? मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। कब? जब हमें डिवाइड करना दे रखा हो, डिवीजन दे रखी हो। अगर हमें दे रखा हो मल्टीप्लाई करना, जैसे मान लो मैंने कर दिया 6 को 2 से, तो कितना आ गया? 6 टू जा 12। ये हमें मल्टीप्लाई दे रखी है। अब हमें इसका क्या दिखाना है? रिलेशन किसके साथ दिखानी है? इसकी डिवीजन के साथ। तो इसका डिवीजन फैक्ट क्या होएगा? डिवीजन फैक्ट क्या होएगा बच्चों? देखो अगर हम जो इसका आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करके 12, इसको अगर हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं फर्स्ट इस नंबर से, तो देखो 2 की टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है? 6 पे।
और फिर मैं इसके दूसरे नंबर से 12 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ रहा है 12 की टेबल में 6 की टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है 2 पे। तो देखो बच्चे इसका अपोजिट आ रहा है, अगर हम 12 से 2 को डिवाइड करते हैं तो 6 आ जाता है और अगर हम 12 को 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है 2। तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन फैक्ट क्या होएगा, जो आंसर्स को अगर हम फर्स्ट नंबर से करेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा और सेकंड नंबर से करेंगे तो क्या आ जाएगा फर्स्ट नंबर। तो बच्चों अब हम डिवीजन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 1, जब व्हेन मतलब जब एक नंबर मतलब एक नंबर को डिवाइडेड मतलब डिवाइड किया जाता है बाय 1 मतलब 1 से, जब हम किसी एक नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं द क्वोशेंट, क्वोशेंट मतलब आंसर इज द नंबर इटसेल्फ, तो वो नंबर खुद ही आता है। जैसे कैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया 27 और उसको मैं किससे डिवाइड कर रही हूँ 1 से, तो 27 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगी तो बच्चों क्या नंबर आ जाएगा 27, यानी नंबर इटसेल्फ स्वयं ही वो नंबर। अगर 27 की जगह आ जाता 356 और 356 को हम 1 से डिवाइड करते तो भी हमारा क्या आता बच्चे 356। नंबर कितने भी ऊपर ले सकते हैं लेकिन अगर हम 1 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा नंबर इटसेल्फ, यानी जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर। सेकंड क्या है व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, जब एक नंबर को डिवाइड किया जाता है इटसेल्फ उसी नंबर से तो देन द क्वोशेंट इज आंसर इज क्या आ जाता है 1। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने 53 ले लिया और 53 को किससे डिवाइड कर रहे हैं 53 से, क्या बोला गया है प्रॉपर्टी में डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, तो 53 को मैंने किससे डिवाइड करना है 53 से, तो क्या आंसर आ रहा है 1। तो ये बात याद रखनी है बच्चों हमने कि अगर हम नंबर को नंबर चाहे कोई भी हो जैसे मान लो 426 है, 426 को अगर हम 426 से डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा 1। नंबर कितने भी नंबर्स का हो सकता है 10 का 1000 का 10000 का, लेकिन अगर हम उस नंबर को नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो व्हेन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नंबर, जब हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं द क्वोशेंट इज आंसर क्या आता है हमारे पास 0। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 0 को मैंने 526 से डिवाइड कर दिया, 0 है और कोई भी नंबर ले लो 52 भी ले सकती थी 526 या 5326 कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उस नंबर को मैंने किससे डिवाइड करना है 0 से, आगे क्या लगाया 0, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 0। नंबर कोई भी आ सकता है बच्चों लेकिन अगर हम उसको 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है डिवीजन बाय 0 इज मीनिंगलेस, लेकिन अगर जैसे हमने पहले एग्जांपल में करा 0 कहां है हमारे डिविडेंड की उस पे, अगर मैं 0 को डिवाइजर बना दूं जैसे मान लो मैंने 73 को 0 से डिवाइड कर दिया तो जो ये वैल्यू हो जाती है ये क्या हो जाती है मीनिंगलेस, मीनिंगलेस मतलब हम इसको डिफाइंड नहीं कर सकते नॉट डिफाइंड। अगर डिवाइजर में 0 आ जाता है तो ये नंबर हमारा क्या कहलाता है नॉट डिफाइंड, 0 की बाद में डिवाइजर की जगह पे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो क्लियर है बच्चों आज का टॉपिक, आपको सब बच्चों को डिवीजन करना आ गया, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ, गुड बाय।